कई मौके आए जहां पार्लियामेंट्री बोर्ड की भूमिका हो सकती थी। कभी पार्टी की ओर से मुझको बुलाकर पूछा तक नहीं गया कि इसमें किसको उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। एमएलसी बनने के बाद मेरा कोई अधिकार और कुछ उस रूप में जब पार्टी मानती ही नहीं है तो सीधे नौकरी करने जैसी स्थिति। एमएलसी पद को मैं मान रहा हूँ कि लॉलीपॉप मुझको एक थमाया गया। जदयू में किसी भी पोस्ट का कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप नीतीश कुमार, ललन सिंह जैसे लोगों के विश्वास पात्र नहीं है। अध्यक्ष कोई हो, फैसला नीतीश कुमार लेंगे। नीतीश कुमार जो कहेंगे हम वही करेंगे। बॉटम लाइन, नीतीश कुमार इज एवरीथिंग, नीतीश कुमार इज जेडीयू, जेडीयू इज नीतीश कुमार। जो पार्टी में उनको पोस्ट दिया गया यानी कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष, वो झुंझुना, और एमएलसी लॉलीपॉप क्योंकि इनको कोई काम नहीं करना है। जब लालू और नीतीश अलग हुए थे तो नीतीश को चाहिए था हिस्सेदारी, आज उपेंद्र कुशवाहा अलग होने के कगार पर हैं तो उनको चाहिए हिस्सेदारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में, मैं आपके साथ कोमल। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आर पार के मूड में आ गए हैं। इंस्टॉलमेंट में नीतीश कुमार पर निशाने साधे जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा था और आज एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने बौछार कर दी है, कई तरह के आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार पर। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर पवन प्रकाश हैं। सर, क्या उपेंद्र कुशवाहा क्या लग रहा है, आर पार के मूड में बिल्कुल ही आ चुके हैं, पीछे नहीं हट रहे? आपने कहा ना कि इंस्टॉलमेंट में मतलब अटैक कर रहे हैं, तो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट था और ये इंस्टॉलमेंट और प्रभावी है। इस बार उन्होंने कई तरीके से अटैक किया है, ले देकर जदयू का जो पूरा एस्टैब्लिशमेंट है उसको उन्होंने हिलाने की कोशिश की है। जदयू जो पार्टी है, संगठन है, उस संगठन की नींव खोखली है, ये उपेंद्र कुशवाहा ने आज बताया है। और उनके पार्टी के पदाधिकारियों को उन्होंने झुंझुना बताया है, और जो पार्टी की मदद से MLC बनते हैं उनको सिर्फ एक लॉलीपॉप देने, मतलब एक सम्मानित पद है, उच्च सदन कहा जाता है विधानमंडल का, और उसको लॉलीपॉप बताया। मतलब जो अटैक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में धमाकेदार मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अटैक है ये। नीतीश कुमार कुछ भी आगे कहेंगे इसमें क्या सफाई देंगे कि लॉलीपॉप नहीं है, तो वो अपने ग्राउंड में अब लेके आ गए हैं कि अब अटैक ऐसे झेलिए कि हम आपको टॉप टू बॉटम अटैक करेंगे और हर कमी, हर खामी, हर खूबी को खामी बताएंगे और खामी को उजागर करेंगे। इसी नोट पर वो उपेंद्र कुशवाहा आज दिखे हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष मुझे बनाया गया, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते उनसे सलाह मशविरा लेनी चाहिए थी। और ये बात सही भी है कि अगर आपने उस पद पर उन्हें बिठाया है तो सलाह तो ज़रूर लेनी चाहिए। तो वो साफ आरोप लगा रहे हैं कि मुझसे कोई सलाह नहीं, चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, लेकिन मुझसे सलाह ही नहीं ली जा रही है, क्या लगता है? देखिए, जैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड का जब अध्यक्ष उनको बनाया गया तब से लेकर आज तक काफ़ी अरसा टाइम हो गया है। अरसा बीतने के बाद भी हर बार जब उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में रोल पर चर्चा होती थी तो ये लोग कहते थे कि इन्हें क्या बनाया हुआ है। इसके पहले जदयू का पार्लियामेंट, जदयू में पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष कौन था किसी को नहीं पता। आज उपेंद्र कुशवाहा ने वो कह भी दिया कि वो पोस्ट मेरे लिए ही क्रिएट किया गया, संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन भी आधा अधूरा किया गया। आधा अधूरा का मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की व्यवस्था तो हो गई कि इनका मनोनयन कैसे होगा अध्यक्ष का, और सदस्यों का भी मनोनयन राष्ट्रीय अध्यक्ष के जिम्मे दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा की टीस यही है जो हम, आप या बाकी लोग, बाकी मीडिया इस पर अरसे तक बात करती रही कि इस आखिर इस रोल का जदयू में औचित्य क्या है जब सब निर्णय नीतीश कुमार करेंगे, हर निर्णय पार्टी अध्यक्ष करेंगे। आज उपेंद्र कुशवाहा ने तो यही ना कहा कि मुझे अपने बोर्ड में, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो संसदीय बोर्ड है, पार्टी का संसदीय बोर्ड, उसके एक सदस्य के नॉमिनेशन का अधिकार नहीं है, तो फिर आप उम्मीदवार के चयन पर फैसला कैसे कर सकता है? जैसे दूसरी पार्टियों में पार्लियामेंट्री बोर्ड का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, या कोई भी चुनाव हो जिसमें उम्मीदवार उतारे जाते हैं पार्टी के सिंबल पर, तो उसकी एक क्रॉस, ये एक चेकलिस्ट बनाएंगे, क्रॉस लिस्ट करेंगे और एक एग्जैक्टली कार्यकारिणी से, अगर प्रदेश स्तर का चुनाव है तो प्रदेश की कार्यकारिणी से, जिला स्तर का चुनाव है तो जिला की कार्यकारिणी से सलाह लेंगे और उसको एक फिल्टर करके पार्टी अध्यक्ष के पास पहुंचाएंगे, 3-4 नाम पहुंचाएंगे, वो एक प्रोसेस हो सकता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष तो है, सदस्य नहीं है, ये आज उपेंद्र कुशवाहा ने क्लियर कह दिया। ये बातें अभी तक छुपी हुई थी कि सदस्य कौन है, कोई था नहीं, ये तो क्लियर है, लेकिन कभी इस पर चर्चा नहीं हुई। आज उपेंद्र कुशवाहा ने वही चर्चा की है और सीधे सीधी बताया कि इस पार्टी में, मतलब जदयू में, किसी भी पोस्ट का कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप नीतीश कुमार, ललन सिंह जैसे लोगों के विश्वास पात्र नहीं है, उनके कृपा पात्र नहीं है। अच्छा, एक और बात उन्होंने कही थी कि
एमएलसी को सीधे उन्होंने लॉलीपॉप बता दिया। क्या लगता है कि क्या सच में, क्योंकि एमएलसी होना मतलब एक बड़ी बात है, लेकिन उसको वो सीधे कह रहे हैं लॉलीपॉप, और साफ साफ कह रहे हैं कि राज्यसभा का मेंबरशिप छोड़ने में मुझे एक सेकंड का वक्त नहीं लगा, तो एमएलसी तो मैं यूं ही छोड़ दूं। क्या देखिए, ये बात सही है, उपेंद्र कुशवाहा ने ये पहले किया हुआ है कि राज्यसभा की सदस्यता उन्होंने छोड़ी है, केंद्रीय मंत्री का पद उन्होंने छोड़ा चुनाव के ठीक पहले, चाहते तो उसी में रहते या पूरा टर्म पूरा कर लेते तब वो अपनी चीज़ें आगे बढ़ाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, ये यहाँ तक उन्होंने सच कहा है। लेकिन क्या है कि एमएलसी का पद जो उन्हें मिला है वो उनके ग्राफ के अनुरूप नहीं है, वो राज्यसभा और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो एमएलसी उनके लिए थोड़ा छोटे दर्जे वाली बात हो गई। इनफैक्ट आप लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य पहले बन गए और एमएलसी बिहार विधान परिषद में आप बाद में बने हैं, विधानसभा के तो वो रहे हैं लेकिन विधान परिषद में बाद में बने, बिहार से चारों सदनों के सदस्य रहने वाले तीन चार नामों में दूसरे नंबर के उपेंद्र कुशवाहा हैं, उसके बाद सुशील मोदी भी बन गए, वो अलग ये है। लेकिन क्या है कि उपेंद्र कुशवाहा दूसरे ऐसे नेता थे जो चारों सदस्य बने, और लेकिन सुशील मोदी राज्यसभा का सदस्य सबसे लास्ट में बनते हैं और ये विधान परिषद का सदस्य सबसे लास्ट में बनते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा की पर्सनालिटी के अनुरूप नहीं है, मतलब पॉलिटिकल पर्सनालिटी के अनुरूप नहीं है, इसलिए उन्होंने ये बात कहा। तो वही बात है ना कि जो पार्टी में उनको पोस्ट दिया गया यानी कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष वो झुंझुना, और एमएलसी लॉलीपॉप क्योंकि इनको कोई काम नहीं करना है, ये सिर्फ एक दे दिया गया है कि हाँ आप पार्टी में हैं, कहीं आपका एडजस्टमेंट और नहीं हो सकता, आपको डिप्टी सीएम हम नहीं बना सकते हैं, सीएम का उम्मीदवार प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकते हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर आपको काम करने देंगे नहीं, एक एमएलसी का पोस्ट है जो पार्टी जिसको चाहे उसको बना सकती है, तो वो दे दिया। मतलब उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी पद पर आप हैं तो जो निर्णय लेना होगा वो नीतीश कुमार ही लेंगे, ये उन्होंने आज साफ कर दिया। जदयू ऐसी वाहिद पार्टी है या एक दो पार्टियों तीन पार्टियों के मतलब हैं उसमें शामिल है जो उनके नेता साफ कहते हैं अध्यक्ष कोई हो फैसला नीतीश कुमार लेंगे, नीतीश कुमार जो कहेंगे हम वही करेंगे, नीतीश कुमार का फैसला आखिरी लाइन है, बॉटम लाइन नीतीश कुमार इज एवरीथिंग, नीतीश कुमार इज जेडीयू, जेडीयू इज नीतीश कुमार, तो आज के डेट में यही है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, उपेंद्र कुशवाहा चाहे कितना भी कुछ भी कह ले इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अच्छा, एक और चीज, उन्होंने हिस्सेदारी की बात पर लालू नीतीश के 1994 वाले बात को भी छेड़ दिया भी, तो क्या उसका क्या है? लालू नीतीश वाली बात तो उन्होंने छेड़ी है, हिस्सेदारी वाली बात, जब लालू और नीतीश अलग हुए थे तो नीतीश को चाहिए था हिस्सेदारी, आज उपेंद्र कुशवाहा अलग होने के कगार पर हैं तो उनको चाहिए हिस्सेदारी, हिस्सेदारी सिर्फ इतने तक वो लिमिटेड नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने आज नीतीश कुमार पर वो पॉलिटिकल अटैक किया है जो भाजपा करना चाहती है, वो आप ऐसे समझिए कि नीतीश कुमार जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उसके वोट परसेंटेज जो है वो उसका वोट परसेंटेज बहुत कम है, उसके बावजूद नीतीश कुमार सीएम है क्योंकि अपने साथ उन्होंने अति पिछड़ा का वोट, अति पिछड़ा समाज को जोड़ लिया, अति पिछड़ों को एक का उनका कोई नेता बहुत आगे नहीं बढ़ा है लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया है, ये बात भाजपा भी जानती है, ये बात अलग अलग चुनावों में साबित होता रहा है, लोकसभा में भले ही नीतीश कुमार फेल हो जाते हैं अकेले लड़ने में, लेकिन यहाँ बार बार ये नीतीश कुमार ने साबित किया है कि अति पिछड़ा वोट बैंक पर अगर कोई एक पार्टी का सबसे अधिक अधिकार है या एक पार्टी को सबसे अधिक मिलता है तो वो नीतीश कुमार की पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आप अति पिछड़ा समाज से उस व्यक्ति एमएलसी बना रहे हैं ना राज्यसभा में भेज रहे हैं, नहीं मतलब एमएलसी और राज्यसभा भेज रहे हैं लेकिन इसमें उन्हीं नेताओं को भेज रहे हैं जो जिनका अपना वजूद है, आप ऐसा कोई लीडर नहीं बना। उन्होंने बड़ी बात कही कि लीडर को भी बनाना पड़ता है, पार्टी का ये दायित्व है कि लीडरशिप क्वालिटी देखे और फिर उसको ऊपर बढ़ाए, उसको आगे बढ़ाए, समाज को भी लगे कि उनके बीच से निकला हुआ है एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता, एक नेता जो अभी तक दबा कुचला इन द सेंस कि मतलब बहुत ऊपर किसी कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया था, वो पहुंचे। अति पिछड़ा समाज से अगर ऐसा कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो हो सकता है कि समाज के बारे में वो कुछ बात करे, ये उपेंद्र कुशवाहा का कहना था। इससे क्या होगा क्या नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन ये नीतीश कुमार पर अटैक इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार को अति पिछड़ों का वोट मिलता रहा है और उपेंद्र कुशवाहा ने आज ये कहा कि अति पिछड़ा समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, उनसे जो मंत्री बने, उनसे जो विधायक बने, उनसे जो विधान पार्षद बने, उनसे जो राज्यसभा में गए, तो वो लोग नहीं हैं मतलब समाज के नेता नहीं हैं, वो बाय डिफॉल्ट नेता हैं, वो उनकी अपनी क्वालिटी थी, वो अपने क्षेत्र में थे इसलिए काम करके आगे बढ़ गए, उन्हें पार्टी ने नहीं बढ़ाया, वो अपनी बदौलत बढ़े हैं। पार्टी तो तब बनाए ना जब किसी को मनोनीत करे, जैसे मदन सहनी का नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन कह दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी नहीं चलती है, मंत्रियों की नहीं चलती थी पिछड़ों मंत्री, तो ये बात बहुत अरसे से चल रही है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्रियों का जो काम है
वो अधिकारियों के मतलब दिशा निर्देशों पर मतलब निर्भर करता है। अधिकारी जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, ये हम नहीं, ये मंत्री ही आरोप लगाते रहे। मदन सहनी ने इस्तीफा तक देने की बात कर दी थी खुलेआम, बाद में नीतीश कुमार के पास गए और चीज़ें मैनेज हो गई। लेकिन आज बिना नाम लिए हुए उपेंद्र कुशवाहा ने वही कहा कि अति पिछड़ों के लिए नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, अति पिछड़ों के कॉमन कार्यकर्ता को जिसमें लीडरशिप क्वालिटी थी उसे आगे नहीं बढ़ाया, जो नेता बन गया उसे अपने में शामिल कर लिया, अति पिछड़ा समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा का आज यही कहना था, जो उन पर बहुत बड़ा पॉलिटिकल अटैक है, जो भाजपा करना चाहती है। भाजपा चाहती है कि सवर्णों के साथ अति पिछड़ों का उनके उन्हें मिल जाए और भी दूसरे कम्युनिटीज़ का मिल जाए, लेकिन अति पिछड़ों का उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये 45% से अधिक है, तो यहाँ चाहिए वो। तो वो उपेंद्र कुशवाहा का अटैक, ये डायरेक्ट नीतीश कुमार पर अटैक है। अच्छा, जेडीयू के बाकी नेता भी उपेंद्र कुशवाहा से दरकिनार कर रहे हैं, साफ कह रहे हैं। कल ही उमेश कुशवाहा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अगर इस तरह का बयान देते हैं तो बयान देने से पहले उन्हें दे देना चाहिए इस्तीफा। तो मतलब अल्टीमेटम दे रहे हैं, और यहाँ उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि गाजर मूली नहीं है कि उखाड़ के फेंक देंगे। उपेंद्र कुशवाहा को इस पर क्या लगता है? देखिए, यही जो उमेश कुशवाहा कल कह रहे थे आज उपेंद्र कुशवाहा ने बता दिया कि ओरिजिनल स्थिति क्या है। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष अध्यक्ष कुछ नहीं है, यही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। ये बात कल ही उमेश कुशवाहा ने साबित किया, उसके पहले भी उमेश कुशवाहा साबित करते रहे, अशोक चौधरी साबित करते रहे, जयंतराज साबित करते रहे हैं, धीरेन्द्र सिंह साबित करते रहे, बहुत सारे जदयू के नेता जो लगातार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बयान दे रहे हैं वो ये साबित कर चुके हैं कि इस पार्टी में जदयू में संसदीय बोर्ड अध्यक्ष का कोई औचित्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही काम उमेश कुशवाहा ने कल फिर किया, आगे भी करेंगे, जब तक निकलेंगे नहीं तब तक ये करते रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है, क्या निकलेंगे नहीं आप कह रहे हैं, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा इंतजार कर रहे हैं कि धक्के मार के उन्हें पार्टी से बाहर फेंका जाए? उपेंद्र कुशवाहा पास विकल्प नहीं है ना, वो बाहर जाकर अभी करेंगे क्या? अभी बाहर चले जाएंगे तो किसी ना किसी दल में शामिल होंगे, नया दल बनाएंगे तो गठबंधन करेंगे तो भागा हुआ कहे जाएंगे, दल बदलू कहे जाएंगे, MLC का उनको पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। काफी अरसे से लगता है। हाँ, ये आरोप क्लियर है ना, बहुत मैंने आप खुलेआम कह सकते हैं कि नहीं ये तो गलत कर रहा है, ये वहाँ जाके मिल गए। तो अब आज के डेट में उन पर कोई आरोप लगा ही नहीं सकता है, ये कम से कम ये आरोप तो बिल्कुल नहीं लगा सकता है कि दल बदलू है, क्योंकि वो दल में है आपके। जब तक दल में है तब तक दल बदलू नहीं हुआ, मन बदल जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी उन्होंने दल नहीं बदला है। तो जब तक दल में है तब तक वो ऐसे ही करते रहेंगे, ये उन्होंने पिछले बार भी साबित किया कहा था और आज फिर ये कहा है, और आगे अभी देखिए कब तक ये चलता है। तो देखिए, अब आगे देखने वाली बात होगी कि आगे उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ नीतीश कुमार पर लेकर आते हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में तो दो इंस्टॉलमेंट अभी हो चुका है, अब अगला क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अब बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।